तो गाइस फाइनली टाइम आ चुका है रिवील करने का, देखते हैं अब कैसे लग रहे हैं पीपीएफ के बाद। रेडी रेडी 3 2 1 गो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस फाइनली आज जा रहा हूँ घर, बहुत दिनों के बाद, मतलब पूरे हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया मैं घर नहीं गया। और पूरी फैमिली की इतनी याद आ रही है ना, घर की इतनी याद आ रही है, फाइनली आज जा रहा हूँ दिल्ली। अभी सुबह के 8:24 हो चुके हैं। आज तो शायद मुझे दिल्ली रुकना पड़ेगा, बिकॉज शाम तक पहुँचूंगा, फिर मेरे को सुपर कार भी लेनी है। सुपर कार पीपीएफ के लिए दे रखी थी ना, तो फाइनली हो गई होगी। फिर शायद कल सुबह निकलूंगा हल्द्वानी के लिए, देखते हैं जो भी होगा। फिलहाल एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, अभी श्रीलंका में है ना, हम आए थे मैच के लिए, मैच कैंसिल हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट मैच में आएंगे, फिलहाल निकलते हैं। चलो तो जाने से पहले आ गया हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर निकलते हैं। भाई देखो बाहर तो हो रही है फुल बारिश, ये देखो ब्रेकफास्ट हो गया, गाड़ी आ गई है, मैंने रोटी रख भी ली है, चल चल दिखाएंगे इसको। तो भी होटल से निकल गए एयरपोर्ट के लिए, 3 घंटे लगेंगे पहुँचने में एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुँच गए, बारिश देखो भाई कितनी तेज हो रही है। श्रीलंका का एयरपोर्ट तो काफ़ी मस्त लग रहा है मुझे, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। लाइन देखो कितनी बड़ी लाइन है भाई, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी। अब वेट करना पड़ेगा। चलो सही, हम 3 घंटा पहले आ गए एयरपोर्ट। फाइनली 1 घंटा लाइन में खड़ी होने के बाद हमारी बारी आ चुकी है। मैंने बैग दे दिया अपने यहाँ पे, अब मिलेगा बोर्डिंग पास। फाइनली बोर्डिंग पास मिल गया, आज बिजनेस क्लास नहीं है। तो गाइस प्रभजोत भाई भी आ गए हैं, हमारी सेम फ्लाइट है। फाइनली अब जा रहे हैं प्लेन में, और है भी लास्ट वाली सीट, बिल्कुल लास्ट वाली, ये देखो 30 है, बिल्कुल लास्ट वाली। दोस्तों मिलते हैं अब दिल्ली में। गाइस पहली बार ऐसे प्लेन में बैठा हूँ, इसकी बेल्ट टूटी हुई है, लिटरली बेल्ट टूटी हुई है इसकी, सिर्फ यही है, यहाँ से टूटा हुआ है इसका बेल्ट। तो मैं सीट बेल्ट नहीं लगा सकता क्योंकि टूटी हुई है। 3 बजने वाले गाइस, तो अब लंच करते हैं, लंच आ चुका अपना। और गाइस पूरा जूस गिर गया यहाँ पे, देखो ये देखो नई टी शर्ट खराब हो गई मेरी। आलू मटर हरी सब्जी गाइस, ये बहुत मस्त हो रहा है बहुत। तो 5:18 हो गए और पहुँचने वाले हैं दिल्ली। मेरे को तो सुपर कार को देखने की एक्साइटमेंट हो रही है, मस्त पीपीएफ हो गई, मस्त चमक रही होगी अपनी गाड़ी, तो वहीं जाएंगे सीधा सुपर कार लेने के लिए अपनी। चलो अब चलते बाहर, प्रभजोत भाई को बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है, अब जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिप पे। काफी अच्छा लगा, बहुत सारी बातें की, घुमा फिरा। तो अभी वेटिंग फॉर माय बैग। तो गाइस एयरपोर्ट से मैं जा रहा हूँ टैक्सी में शोरूम तक, जहाँ पे हमारी सुपर कार खड़ी है ना पीपीएफ के लिए, तो सीधा मैं वहीं पे जा रहा हूँ, अपने घर पे नहीं जा रहा। तो हमारी कैब आ गई है। तो भी गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं शोरूम पे, पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है। गाइस आज तो पूरी रात हो गई है ट्रैवल, ट्रैवल में पूरा दिन ट्रैवल कर रहे थे। वो देखो सामने उठा करके ना वहाँ पे, तो हम आए डिटेलिंग बुल पे। तो भी चाय वगैरह पीते हैं फिर दिखाएंगे आपको गाड़ी मस्त। अनुने भाई को बुलाया, वो भी आ रहे अपनी गाड़ी लेके। और ये हैं वेद सर जिन्होंने किया है काम। गाइस यहाँ पे हमको हमारे क्यूट से सब्सक्राइबर मिले हैं, क्या नाम है आपका? और मुझसे पहले गाड़ी इन्होंने देख ली है, तो कैसी लग रही है? बढ़िया बढ़िया। फिलहाल अब चाय पीते हैं भाई। अनुन्या भाई आ गए अपनी मर्सिडीज लेके, भाई क्या मस्त लगती है देखो ये भी भाई, इसकी साइड लुक तो अलग है भाई। इस गाड़ी की खास बात है ये दुबई से लाई गई है, मतलब इसके नंबर प्लेट भी दुबई है। नहीं 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 बस 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 दुबई नंबर प्लेट है ना इसमें। भाई देखो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, दोनों को कांग्रेचुलेशन भाई, गाड़ी लेके आए दुबई से स्पेशली। पर नंबर प्लेट का बहुत फायदा होता है, पुलिस वाले देखते नहीं है, उनको लग रहा है G20 की गाड़ी है, जाओ जाओ। अच्छा काली शीशे अलाउड नहीं है, बट अच्छा काली शीशे अलाउड नहीं है, कार्नेट का रूल है, गाड़ी जैसी आई है वैसे ही वापस जाएगी, तो कोई उतार भी नहीं सकता रूल। और हाँ इसका स्टीयरिंग इस साइड है, इंडियन गाड़ी का उस साइड होता है ना, बट इसका इस साइड है, तो दिक्कत नहीं चला, दिक्कत नहीं चलाने में, मतलब अगर तू चलाएगा अभी हाँ। तो देखो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि देखो आदत नहीं है, पता नहीं चलेगा कि कितना गैप है। मेरी वाली का तो उधर ही है, लेकिन देखो भाई क्या मस्त लग रही है अंदर से, लेकिन इसका साइड लुक तो बहुत मस्त है भाई इसका। तेरी ज्यादा अच्छी है, दूसरों को दूसरों की ज्यादा अच्छी लगती है। तो भाई फाइनली टाइम आ चुका है रिवील करने का, देखते हैं अब कैसे लग रहे हैं पीपीएफ के बाद। रेडी रेडी 3 2 1 गो। थैंक यू डिटेलिंग बुल, इतनी अच्छी पीपीएफ करने के लिए, भाई क्या चमक रही है देखो। तो गाइस देखो क्या मस्त चमक गई हमारी पीपीएफ होने के बाद, अब देखो अब इसको चलाते हैं। आवाज आपकी तरह नहीं है, तो मैं थोड़ी अंदर से भी मस्त कर रखी है भाई। गाइस ये देखो अंदर से भी मस्त कर रखी है एकदम। ओ वाओ पोर्शे की आवाज ही अलग है ना, रेस दे। चलो भैया से पूछते हैं, भैया ने क्या क्या करा इसमें? तो हमने इसमें चार चीजें करी हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी
आपकी ये नई कार है तो हम चाहते थे और नई जैसी फीलिंग आए, तो हमने सबसे पहले तो इसमें थोड़ा सा पेंट का काम किया है क्योंकि थोड़ा सा पेंट डल पड़ा हुआ था, तो हमने पूरा पेंट रीस्टोर किया है जिससे ग्लॉस बिल्कुल एनहेंस हो जाए। हमने इसके पूरी कार के ऊपर 12 ईयर वाली PPF करी है जिसकी लाइफ 12 ईयर अब मुझे लगता है पहले गाड़ी चेंज कर लोगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने इसके ग्लासेस पे सिरेमिक कोटिंग करी है जिससे आप बारिशों में गाड़ी चलाओगे ना और पानी को आपको वाइपर चलाने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने आप पानी रिपेल करता है। एंड अगेन उसके अलावा हमने अलॉय व्हील्स पे भी सिरेमिक कोटिंग की है। थैंक यू। तो ये मेजर काम किया है अभी, प्लस हमने इंटीरियर डिटेलिंग का काम किया है कि अंदर से पूरी गाड़ी को हमने रिस्टोर करने की कोशिश करी है, पूरा जितना भी लेदर एरिया था उसको साफ कराया, नया किया, मतलब स्क्रैच नहीं लगेंगे इसमें। हाँ बेसिकली स्क्रैच अगर आएंगे तो PPF के ऊपर आएंगे, गाड़ी के ऊपर नहीं आएंगे। आपको मेरे पास 15 दिन बाद आना है, गेट इट चेक। गाइस 15 दिन के बाद आना है चेक करने के लिए, जो PPF हुई है ना यार आपकी वाली ज्यादा नीचे है, आगे से नीचे है ज्यादा। मर्सिडीज बहुत नीचे है, ये फिर भी थोड़ी ऊपर है। इसका स्टीयरिंग देखो इस साइड, इसका स्टीयरिंग इस साइड। गाइस कमेंट कर देना कौन सी मस्त लग रही है, ये वाली है ये वाली। तो फोटो के लिए दोनों साथ में कर लिए। ओ इसमें तो इसमें ज्यादा स्पेस है भाई, पूरा यहाँ से वहाँ तक स्पेस है। हाँ बट बैग नहीं आता पूरा यहाँ पे। गाइस इसमें आगे डिग्गी नहीं है, इसमें आगे इंजन है। हर एक इंजन एक बंदे ने असेंबल किया होता है, वो साइन करता है अपना। गाइस ये देखो इस बंदे ने ये इंजन बनाया है। पेट्रोल भी ज्यादा खाती होगी, पूछ मत। मेरी माइलेज पता क्या देती है? 12-13। हाँ 14-15। 3 का भाई फिर तो सही है। 3-4, 14-15। अरे मैं फुल करा के पता क्या चलाता हूँ? 450-500। नहीं ये चलती है सब फुल में 350। प्रैक्टिकल है, 4 दिन में पेट्रोल खत्म। और इसका पेट्रोल भी महंगा है, 160 रुपीज लीटर। 160 रुपीज लीटर। हाँ और मिलता भी नहीं है। दोनों गाड़ियों के आगे पीछे से खोल दिया हमने। कभी ड्रैग रेस करेंगे, वैसे आपकी जीतेगी। इसका इंजन बड़ा है बट फिर भी ट्राई करेंगे, देखते हैं। तो गाइस फाइनली अब जाने का टाइम आ चुका है। अगर आपको करानी है तो आप भी आ सकते हैं डिटेलिंग बुल पे, PPF भी, कुछ भी काम कराना है गाड़ी से रिलेटेड भैया से करवा सकते हैं। जा भी आ रहे हो? बहुत प्यारी बना दिया आपने, थैंक यू। भैया ने यहाँ पे स्पेशल क्लोथ दिया साफ करने के लिए, माइक्रो फाइबर वाला। ये तौलिया लग रहा है, तौलिया लग रहा है। थैंक यू। चलो अभी इसी साफ करेंगे। थैंक यू भैया। चले ब्रो। फाइनली हम पोर्शे को लेकर निकल रहे हैं। अब इतने दिनों के बाद गाड़ी चला रहा हूँ, वो भी अपनी सुपर कार भाई, इतना मस्त लग रहा है ना। अब जा रहा हूँ अपने दिल्ली वाले घर पे, फिर कल सुबह सुबह चलेंगे हल्द्वानी इसको लेके। फाइनली पहुंच चुका हूँ घर पे। टाइम देखो भाई, सुबह से निकला हूँ, 9:20 हो गए और यहाँ आके देखा भाई पूरा घर बिखरा पड़ा है, लिटरली यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखो पूरा घर बिखरा पड़ा है, यहाँ भी किचन भी पूरा बिखरा पड़ा है, ये भी साफ करना पड़ेगा। इवन ये रूम में भी सारा सामान बिखरा पड़ा है, ये भी सारा समेटना पड़ेगा। तो आज यही करूँगा सब कुछ और कल सुबह सुबह निकलूंगा हल्द्वानी के लिए। फिलहाल भूख लग रही है तो कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ डिनर के लिए। तो मेरा डिनर आ चुका है, तो गैस कह सकते हो गाइस मैंने क्या मंगाया होगा? पिछले 3 दिनों से मैं यही मंगा रहा था, नॉर्मल दाल रोटी। वैसे गाइस मंगाने को तो मैं कुछ ही मंगा सकता हूँ लेकिन वो पेट के लिए सही नहीं रहता फिर। तो ये है हमारा आज का डिनर, नॉर्मल दाल रोटी चटनी और प्याज के साथ। तो भी सब कुछ क्लीन कर दिया मैंने, इधर भी बाकी बर्तन वर्तन धो दिए सारे और बाकी ये रूम भी एकदम क्लीन हो गया है भाई। कल सुबह कपड़े डाल के निकल लूंगा। फिलहाल अब मैं एडिटिंग शुरू करता हूँ एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नहीं तो 3-2-1 बोलियो फिर वो उठा लेंगे। हाँ ऐसे कर लीजिए। हाँ 3-2-1 पे। हाँ जोर से बोलियो 3। चलो भाई 3-2-1। Throw your stuff away before you make up your mind that I'm nowhere to find. I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen.